शान को गले से हुआ प्यार का एहसास। टीवी सीरियल गुमी किसी के प्यार में आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं। जिस तरह से ईशान ने हरनी ताई की जान बचाई है और सम ने जिस तरह से वाहवाही की है ईशान की, तो सभी को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि वह जो भी ईशान सर के बारे में सोच रही थी वह सारी चीजें गलत है, क्योंकि वह यही कह रही थी ईशान सर से कि उनकी लाइफ में आकर के उन्होंने सभी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब यहाँ से सभी की सोच बदल जाएगी, क्योंकि जिस से वहां पर नर्सों ने कहा है कि हरनी ताई की जान बचाने के लिए जिस तरह से ईशान सर जूझ रहे थे, तो पता नहीं वह कितना प्यार अपनी पत्नी यानी सवी से करते होंगे। और यही सारी चीजें सोचने पर मजबूर कर देने वाली है सवी को कि ईशान सर उसके लिए परफेक्ट हस्बैंड है और वह उनको छोड़ करके कभी नहीं जा सकती। तो यहीं से अब सवी का नजरिया ईशान सर के लिए बदलने वाला है और कहीं ना कहीं सवी को प्यार हो जाने वाला है ईशान से। और ईशान से जब वह इस तरह की बातें करेगी तो उनको भी काफी ज्यादा यहाँ पर अटपटा लगेगा, क्योंकि सभी हमेशा से ईशान से चिढ़ते आई है और अचानक से जब उसका व्यवहार बदलेगा तो ईशान सर भी सभी से प्यार करने लग जाएंगे। और वह तो इसीलिए सभी की तरफ नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि सभी ही ने कहा था कि वह एक साल के बाद जब आईएएस ऑफिसर बन जाएगी तब उनको छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए ईशान सर ने बात को आगे बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन जब सभी ही आगे बात को बढ़ाना चाहती है तो आखिर वह क्यों पीछे रहें। तो दोनों एक दूसरे जो है अपने प्यार का बहुत ही जल्द इजहार करेंगे, लेकिन यहाँ पर अक्का साहब की मुश्किलें बढ़ेगी क्योंकि वह अभी आस लगाए बैठी है कि सभी जो है उसकी ताई को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसकी ताई को कुछ हो गया तो वो हमेशा के लिए उनके घर की बहू बन करके बैठ जाएगी, जो कि वह हरगिज़ नहीं चाहती। वह तो चाहती है कि रीवा उनके घर की बहू बने। सभी के जाने के बाद तुरंत ही वह ईशान और रीवा की शादी करा देंगे, लेकिन यहाँ पर अक्का साहब की ये सोच जो है वह गलत होने वाली है। और वह जो सोच रहे हैं कि सभी हमेशा के लिए उनके घर की बहू बनेगी, तो वैसा ही होगा क्योंकि सभी जो है अपना डिसीजन बहुत ही जल्द बदलने वाली है और वह सीधे सीधे ईशान सर से कह देने वाली है कि वह उनको छोड़ करके कभी नहीं जाएगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसने जो कुछ भी पहले कहा था वह सब गलत फहमी थी। वह ईशान सर के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी। जब ईशान सर के साथ वह इतना टाइम बिता चुकी है, उनको समझ चुकी है, तो वह यही सोचेगी कि यहाँ पर वह कितने अच्छे इंसान हैं और उनके जैसा पति पाना तो सौभाग्य की बात है। और यही बात अश्मिता ने भी समझाने की सभी को कोशिश की थी, लेकिन सभी ही बहुत गलत सोच रही थी ईशान के बारे में। लेकिन धीरे धीरे जब सभी ईशान को समझने लगेगी तो अपने आप ही ईशान से प्यार कर बैठेगी और उनको छोड़ने का सपना तो वह कभी भूल कर भी नहीं देखने वाली है। लेकिन यहाँ पर रीवा के सपने ज़रूर टूटेंगे, क्योंकि उसे भी यही पता था कि सभी एक न एक दिन ईशान को छोड़कर चली जाएगी। तो वह सभी से अभी तक नफरत नहीं करती थी, लेकिन बहुत ही जल्द वह सभी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने वाली है, क्योंकि उसे यही लगेगा कि इस लड़की की वजह से उसका प्यार उसका नहीं हो पाया। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।